फिर चांद पर रखेंगे कदम, चंद्रयान 3 तैयार है लॉन्चिंग। इसरो ने कम बजट में कई हैरतअंगेज मिशंस अंतरिक्ष में भेजे हैं। फिर चाहे बात आप मंगलयान की करें या चंद्रयान की, हमारे चंद्रयान ने ही सर्वप्रथम चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी के बारे में पता लगाया था। यही नहीं, मात्र 450 करोड़ की रकम में इसरो ने मंगलयान जैसे जटिल मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते देश दुनिया में इसरो का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। चंद्रयान 3 बहुत कुछ चंद्रयान 2 जैसा ही होगा, मगर इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में था, उसी का इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए भी किया जाएगा। यह करने के लिए उसे चंद्रयान 3 को पृथ्वी और चांद का कम चक्कर लगा। चंद्रयान -3 मिशन की कुल लागत 600 करोड़ रुपए से अधिक होगी, जबकि चंद्रयान 2 की कुल लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए थी। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि मिशन के लॉन्च पर 365 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रकार इस मिशन की कुल लागत 615 करोड़ रुपए होगी। इसरो का समुद्रयान मिशन हिंद महासागर में 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गहन अध्ययन करने के बाद उन स्थानों की पहचान की गई है जहां बड़े पैमाने पर पॉलीमेटालिक सामग्री समुद्र की तलहटी मौजूद है। इस क्षेत्र में 10 करोड़ मीट्रिक टन पॉलीमेटालिक सामग्री होने का अनुमान है। इसे प्रोसेस करके बड़ी मात्रा में कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, कॉपर एवं निकल प्राप्त किया जा सकता है। कोबाल्ट की देश में भारी कमी है। एक इसे 5-6 हजार किलोमीटर गहराई तक मानव को ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरे गहरे समुद्र से खनिजों को निकालने के लिए तकनीक विकसित करने पर भी कार्य हो रहा है। कोशिश यह है कि जो खनिज वहाँ मिले उन्हें वहीं प्रोसेस करके निकाला जाए। दरअसल अभी दुनिया में कहीं भी इतने गहरे समुद्र से खनिजों को निकालने की तकनीक नहीं है। गगनयान मिशन के अलावा इसरो ने समुद्र में भी खोज करनी शुरू कर दी है। भारत की टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष के अलावा समुद्र में भी ग्लोबल होगी। इसरो एक डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा, इसमें एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम समुद्रयान है। उन्होंने आगे बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान ने पहले 500 मीटर पानी की गहराई रेटिंग के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी प्रणाली को विकसित कर उसका परीक्षण किया था। इसरो का समुद्रयान मिशन इन सब मिशनों के अलावा इसरो समुद्र के अंदर भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा, जिसमें समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई में इसरो अपने वैज्ञानिक को भेजेगा। इसरो एक डीप ओशन मिशन पर भी काम कर रहा है, इसमें एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम समुद्रयान है। उन्होंने आगे बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान ने पहले 500 मीटर पानी की गहराई रेटिंग के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी प्रणाली को विकसित कर उसका परीक्षण किया था। समुद्रयान मिशन में कितना आएगा खर्च? इसरो के मुताबिक हल्के स्टील का निर्मित पनडुब्बी को 600 मीटर गहराई तक भेजा गया। इसका व्यास 2.1 मीटर था, जो मानवयुक्त है। इसे 6000 मीटर गहराई के लिए विकसित करने पर काम किया जा रहा है, जिसमें टाइटेनियम का इस्तेमाल होगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट पर 4100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि इसके लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। भारत के शुक्रयान के मिशन में शामिल होगा स्वीडन। पृथ्वी की जुड़वा बहन के तौर पर माने जाने वाले शुक्र ग्रह पर इसरो के मिशन में स्वीडन भी शामिल होगा, जो अपने वैज्ञानिक उपकरण के साथ ग्रह पर रवाना होगा। स्वीडन देगा अपना वैज्ञानिक उपकरण IRF उपग्रह उपकरण बिन्सियन न्यूट्रल्स एनालाइजर। इस बात का अध्ययन करेगा कि सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण की ग्रह के वातावरण में कैसी प्रकृति होगी और वे कैसा व्यवहार दिखाते हैं। उन्होंने कहा, स्वीडन ने कहा है कि वह भारत के शुक्रयान मिशन के साथ अपना भी एक सैटेलाइट उपकरण भेजेगा। हर 19 माह पर आता है बेहतरीन मौका, जब शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। बता दें कि आकार, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण में समानताओं के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है। दोनों ही ग्रहों की उत्पत्ति 4.5 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी की तुलना में शुक्र ग्रह सूर्य के करीब 30% अधिक निकट है।
अंतरिक्ष स्टेशन से लाभ। अंतरिक्ष को भविष्य की कई संभावनाओं के लिए द्वार माना जा रहा है। इन संभावनाओं का सहभागी होने से भारत आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनको पृथ्वी पर नहीं किया जा सकता है, तथा कुछ प्रयोगों को सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में करने के लिए भी अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भारत को अंतरिक्ष के गहन अध्ययन तथा गगनयान मिशन की सफलता के पश्चात उसे जारी रखने के लिए भी स्टेशन उपयोगी है। इसरो के स्पेस स्टेशन में रहेंगे 3 अंतरिक्ष यात्री। इसरो के स्पेस स्टेशन के शुरुआती डिजाइन के मुताबिक अभी उसमें 3 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। स्पेस स्टेशन को अगर सफलता मिलती है तो अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन अपना स्पेस स्टेशन बना चुके हैं। भारत का स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती से करीब 140 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा। स्पेस स्टेशन मिशन में क्या होगा? भारतीय स्पेस स्टेशन का वजन 20 टन होगा। इसकी बदौलत हम विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर पाएंगे, साथ ही माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन कर पाएंगे। भारतीय स्पेस स्टेशन में 15 से 20 दिन के लिए कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। इसरो ने कहा है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। हमारा स्पेस स्टेशन छोटा होगा। हम एक मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। इसका उपयोग माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट में किया जाएगा। इसका वजन लगभग 20 टन होगा। इसके लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसकी योजना पर 5 से 7 वर्ष काम होगा। भारत में ऐसे कार्यक्रमों को लेकर प्रायः कोष की कमी बनी रहती है। ऐसे में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना बहुत कठिन हो सकता है। ज्ञात हो कि इस निर्माण में 160 बिलियन डॉलर का खर्च आया था। हालांकि इसका भार प्रस्तावित भारतीय स्टेशन से 20 गुना अधिक है, फिर भी भारत को एक वृहद कोष की आवश्यकता होगी। भारत स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष स्टेशन निर्मित करना चाहता है। ऐसे में भारत के लिए यह कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भले ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन भारत के लिए ऐसी तकनीक का निर्माण करना अभी भी जटिल है। वर्तमान युग में तकनीक में तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। यदि परियोजना अपने निश्चित समय से आगे बढ़ जाती है तो उससे संबंधित तकनीक में भी समय के साथ बदलाव करना जटिल हो जाता है। यह तकनीकी परिवर्तन न सिर्फ निर्माण के स्तर पर आवश्यक है, बल्कि स्टेशन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। भारत के 20 टन भार के स्टेशन के निर्माण की योजना है, लेकिन भारत की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके आकार में वृद्धि करना आवश्यक होगा। भारत को भविष्य में ऐसे बदलावों को ध्यान में रखकर व्यापक योजना बनानी होगी।